अमेरिका की रिपोर्ट में भारत का आया प्रथम स्थान। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने भारत की ताकत का लगा दिया अंदाजा। अमेरिका के सांसद में गूंजा भारत का जिक्र। दोस्तों, अमेरिका ने भी भारत की ताकत का अंदाजा लगा लिया है। उसको भारत की ताकत का अंदाजा इस वक्त लगा जब अमेरिका के वित्त मंत्रालय की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई। उस रिपोर्ट में भारत की रफ्तार देखकर अच्छे अच्छों की पैंट गीली हो गई है। और अमेरिका जैसा देश जब भारत की तारीफ करने लग जाए तो समझ जाइए कि यहाँ पर भारत ने कुछ बहुत बड़ा काम कर दिखाया है। और आज हम आपको भारत के इसी कारनामे के बारे में बताने वाले हैं। जितने भी अमेरिका के फाइनेंस को फॉलो करने वाले न्यूज चैनल हैं और बिजनेसमैन हैं, जितने भी लोग पैसे से रिलेटेड काम किया करते हैं, जो लोग पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इस समय सिर्फ और सिर्फ भारत का नाम ले रहे हैं, क्योंकि इन सभी चीजों में इस समय भारत छाया हुआ है। इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि अमेरिका के वित्त मंत्रालय की तरफ से एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया है, जिस खुलासे की वजह से अमेरिका में इन दिनों भारत काफी ज्यादा छाया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अमेरिका के वित्त मंत्रालय की तरफ से ऐसा कौन सा खुलासा कर दिया गया है जिसकी वजह से भारत ने अमेरिका जैसी जगह में अपना परचम लहरा दिया है। तो चलिए जानते हैं सभी बातों को डिटेल में और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, अमेरिका के वित्त मंत्रालय की तरफ से एक रिपोर्ट निकलकर सामने रखी गई है जिसमें भारत का भी जिक्र किया गया है और इस रिपोर्ट में कुछ खुलासे किए गए हैं। इस रिपोर्ट को अमेरिका की संसद में रखा गया है। भारत ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसकी वजह से यहाँ पर सबका दिमाग घूम चुका है। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि भारत भी ऐसा कर सकता है। इस चीज को कहीं न कहीं भारत की ओर बढ़ती कामयाबी से जोड़कर देखा जा रहा है। दोस्तों, इस रिपोर्ट को इतना ज्यादा खास माना जाता है कि यहाँ पर अमेरिका के जो अमीर लोग रहते हैं, जो कि बिजनेसमैन हैं, वो इस रिपोर्ट को देखते हैं और उसी हिसाब से वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। इस रिपोर्ट में ये भी बताया जाता है इस समय किस देश के कैसे आर्थिक हालात चल रहे हैं। इस रिपोर्ट को सुनने के बाद भारत में मौजूद सभी भारतवासियों को काफी ज्यादा खुशी होने वाली है, क्योंकि इस रिपोर्ट से हर भारतवासी का सीना चौड़ा होने वाला है। तो चलिए इस रिपोर्ट को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अमेरिका की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसको अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने संसद में पेश किया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत अभी हाल ही में कोरोना वायरस का सामना करके उभरा है और यहाँ पर लोगों को लग रहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा तगड़ा झटका लगने वाला है और कहीं न कहीं ये चीज सही भी होती हुई दिखाई दी थी। लेकिन भारत ने तीनों झटकों को झेलने के बाद जिस तरीके से कमबैक किया है उसकी तारीफ की जा रही है। जिस तरीके से भारत ने कोरोना वायरस की तीन लहरों को झेला है और फिर अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर पहले ले आया है, इस चीज से भारत की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। जिस तरीके से भारत ने कोरोना को झेलने के बाद अपनी अर्थव्यवस्था को संभाला है, उसकी वजह से भारत की तारीफ इस समय पूरी दुनिया में हो रही है। और भारत उन सभी देश में सबसे ऊपर है जो कोरोना महामारी को झेलने के बाद अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने में सफल रहे हैं। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि भारत की जो पिछले साल की तीसरी तिमाही थी उसमें भारत ने इतनी बेहतरीन तरीके से कमबैक किया कि पूरा नुकसान भारत ने कोरोना वायरस का इसमें ही कवर कर लिया। अमेरिकी रिपोर्ट में ये बताया गया था कि भारत जो इतनी तेजी से ग्रोथ किया है इसके पीछे की जो मुख्य वजह है वो यही रही है कि 2021 के अंत तक में भारत ने अपने देश में 44% लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवा दी थी। और यही वजह रही है कि भारत ने कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए इस तरीके का कदम उठाया है और ये कदम भारत के लिए सफल साबित हुआ और भारत में लॉकडाउन को खत्म किया गया है और फिर से भारत अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में जुट गया है और भारत की यही मेहनत आज रंग लाई है। आप में से जितने भी ज्यादातर लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको कोरोना वायरस की दोनों डोज लग चुकी होगी और अब तो भारत के द्वारा तीसरी डोज भी लगाई जानी शुरू कर दी गई है जिसको बूस्टर डोज के नाम से जाना जाता है। जिस तरीके से भारत ने कोरोना वायरस को संभाला है, इतनी बेहतरीन तरीके से कोरोना वायरस को चीन भी नहीं संभाल पाया। आप और हम सभी लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं इस समय चीन और कोरोना वायरस की क्या स्थिति चल रही है। दोस्तों, ये रिपोर्ट भारत के लिए अहम इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर एक रिपोर्ट अमेरिकी सरकार ने जारी की है और आप ये बात अच्छे से जानते होंगे कि अमेरिकी सरकार कभी भी किसी देश की बेमतलब तारीफ नहीं करती है, इसलिए इस रिपोर्ट पर नजर डालना बहुत अहम था। और ये रिपोर्ट उन सभी देशों को इस लिस्ट में रखती है जो कि एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया में उभर रहा है और इस चीज में भारत सबसे पॉजिटिव रहा है। इस चीज से भारत को और भी ज्यादा फायदा होगा क्योंकि जिनके पास काफी ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है वो देखते हैं इस रिपोर्ट को और उस हिसाब से अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिसको लेकर बताया ये भी जा रहा है। यहाँ पर भारत के अंदर ये रिपोर्ट कहीं न कहीं काफी हद तक इन्वेस्टमेंट भी लेकर आने वाली है। इस रिपोर्ट से भारत को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है क्योंकि ये रिपोर्ट भारत के लिए भारत में एक नया इन्वेस्टमेंट का रास्ता खोलेगी और इससे भारत की मेज दुनिया वालों के सामने एक बार फिर निखर कर सामने आई है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वहीं रूसी सेना ने रविवार को यूक्रेन के पश्चिमी टर्नोपिल इलाके में क्रूज मिसाइल हमला कर अमेरिका और यूरोपीय देशों से मिले हथियारों के भंडार नष्ट कर दिए। यूक्रेन को ये विदेशी हथियार रूसी सेना के साथ चल रहे युद्ध में लड़ने के लिए दिए गए थे।
इस बीच पूर्वी लुहांस्क प्रांत के सेवेरोडोनेट्स्क शहर में सड़कों पर भीषण लड़ाई जारी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने अपने सैनिकों की बहादुरी की दाद दी है, जो सीमित संसाधनों के बूते 108 दिन से युद्ध के मैदान में डटे हुए हैं। टर्नोपिल क्षेत्र के गवर्नर ने बताया कि चॉटकीव शहर में स्थित सैन्य ठिकाने पर काला सागर से दागी गई क्रूज मिसाइल ने हमला किया है। इस हमले में 22 लोग घायल हुए हैं। सैन्य ठिकाने से जुड़े अधिकारी ने वहां पर विदेशी हथियारों का भंडार होने से इनकार किया है। रूस ने अमेरिका और यूरोपीय देशों से हथियार देकर युद्ध न भड़काने के लिए कहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा उनकी सेना विदेशी हथियारों की आपूर्ति को निशाना बनाएगी, जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अमेरिका और यूरोपीय देशों से लगातार हथियार मांग रहे हैं। अब उन्होंने बड़े हथियारों की आपूर्ति तेज करने के लिए कहा है, जिससे युद्ध मैदान में उनकी सेना रूसी सेना का मजबूती से मुकाबला कर सके। लुहांस के गवर्नर सेरही गोदाई के अनुसार औद्योगिक शहर सेवेरोडोनेट्स्क में सड़कों पर लड़ाई चल रही है। हजारों लोग ने कारखानों में शरण लिए हुए हैं। शनिवार को जिस अजोट रासायनिक संयंत्र में रूसी हमले से आग लगी थी, वहां पर 800 लोग ने शरण ले रखी है। शरण लेने वालों में ज्यादातर संयंत्र के कर्मचारी और उनके परिवार के लोग हैं। रूस के भीषण हमलों के मद्देनजर अब हर कोई शहर से निकलकर सुरक्षित स्थानों पर जाना चाहता है, लेकिन गोलाबारी और बमबारी के बीच निकलना संभव नहीं है। पड़ोसी शहर लिसिचांग की भी कामोबेश में यही स्थिति है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूरोपीय आयोग की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लियन दूसरी बार की पहुंची हैं। इस दौरान उन्होंने यूक्रेन की राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात कर युद्ध के ताजा हालात की जानकारी दी है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन यूरोपीय संघ के बीच सहयोग बढ़ाने के तरीके पर भी चर्चा की है। इस मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के यूरोपीय संघ में शामिल होने का मुद्दा भी उठाया। इसका जवाब देते हुए उर्सुला वॉन डेर लियन ने कहा चालू सप्ताह में यूक्रेन को सदस्यता मिल सकती है। यूक्रेन को सदस्यता देने के लिए सभी 27 सदस्य देश सहमत हैं, इसलिए कुछ औपचारिकताओं के बाद आगामी सप्ताह में महत्वपूर्ण घोषणा हो सकती है। अमेरिका के वित्त मंत्रालय द्वारा जो भारत के लिए रिपोर्ट निकाली गई है, उसको देखकर आपको कितना ज्यादा खुशी हुई है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और भारत की बढ़ती ताकत के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। तो अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।